फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? और आज मैं आपको रेसिपी के साथ साथ एक छोटा सा व्लॉग भी दूंगी, जिसमें कि हम शॉपिंग करने के लिए पंचकुला सेक्टर 7 में जा रहे हैं। और बच्चों को भी काफ़ी टाइम से हम बाहर लेकर नहीं गए थे, बीच में गए थे एक दो बार शॉपिंग करने के लिए, पर मैं वहाँ पर वीडियोज़ नहीं बना पाई, तो आज मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो हम पहुंच गए थे मनी माजरा मीना बाज़ार में। हमने कहा कि चलो सबसे पहले यहीं पे देख लेते हैं। तो हम लोगों ने लेनी है यहाँ से, मेरी छोटी बेटी का बर्थडे है तो उसकी बर्थडे की एक ड्रेस लेनी है। हम स्पेशल ड्रेस लेने के लिए ही आए थे, ऐसा कुछ खास शॉपिंग नहीं करनी थी हमें। तो हमने सोचा कि सबसे पहले मनी माजरा जो मीना बाज़ार है वहाँ से देख लेते हैं। तो हम लोग वहाँ पर गए और काफ़ी ड्रेसेस देखी वहाँ पर। हमने यहाँ पे बहुत सारी ड्रेसेस देखी और जितनी भी ड्रेसेस देखी वो सारी ही मतलब हैवी थी, और हैवी ड्रेसेस हमें नहीं चाहिए थी। हमें सिर्फ एक ही ड्रेस चाहिए थी, वो भी बर्थडे के लिए। और हैवी ड्रेसेस तो पड़ी थी, पर हमें चाहिए थी कुछ कैजुअली, जैसे कि स्कूल के पर्पस से चाहिए थी, क्योंकि इसने स्कूल में पहन कर जाना था और उस हिसाब से ही हमें जो ड्रेस थी वो लेनी थी। इसके बाद हम चले गए थे पंचकुला सेक्टर 7 में। फिर हमने वहाँ से, जहाँ से हम लेते हैं ड्रेसेस वगैरह बच्चों की, तो हम वहाँ चले गए थे और वहाँ से हमने ड्रेसेस देखी। तो वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी यानी कि वन पीस थे और बहुत अच्छे थे, तो कंफर्टेबल थे, और वैसे भी कलर्स भी बहुत अच्छे थे, गर्मियों के हिसाब से थे। तो हमने इधर से एक ड्रेस जो है परचेज़ कर ली थी। उसके बाद हम घर चले गए थे। मार्केट जाने से पहले मैंने लंच तैयार कर लिया था और मैं आपके साथ उसकी वीडियो शेयर कर देती हूँ। लंच में मैंने बनाए थे राजमा चावल, करेले, और भरवे करेले बनाए थे, और बनाया था बूंदी रायता। भरवे करेले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने करेले को धो लिया है और इसको अच्छी तरह से पोंछ लिया है, और इसके बाद मैंने इसका छिलका उतार दिया है और इसको नमक लगा कर थोड़ी देर धूप में रख देंगे, जिससे कि इसका कड़वापन हट जाएगा। यहाँ पर मैंने चावल भी पकने के लिए रख दिए थे। तो तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और मैं राजमा को तड़क लूँगी। राजमा मैंने बॉईल किए थे तो राजमा मैंने अलग कर लिए हैं, उसका पानी अलग कर लिया है। उसके बाद मैं लूँगी लहसुन, लहसुन और प्याज का पेस्ट बना लेंगे, और है तेज़पत्ता, टमाटर और मिर्च का भी पेस्ट बना लेंगे। आलू मैंने बारीक काट लिए हैं और धनिया भी बारीक काट लिया है। ये हैं हमारे जो रेगुलर मसाले होते हैं, और देगी मिर्च और हींग। तो तेल अब हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिया है तेज़पत्ता, साथ ही मैंने पेस्ट डाल दिया है लहसुन और प्याज का। जब लहसुन और प्याज का पेस्ट ब्राउन हो जाएगा तो इसके बाद डाल दूंगी मैं इसमें कस्तूरी मेथी और हींग। अब इसके बाद हमने डाल दिया है इसमें टमाटर और मिर्च का पेस्ट, और इसको अच्छी तरह से मसाले में भून लूँगी। अब इसमें डाल देंगे नमक। नमक हम देख कर डालेंगे, क्योंकि हमने बॉईल करते हुए भी नमक डाला था। अब इसमें डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, और इसको मसाले को भून लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें डाल देंगे देगी मिर्च, और डाल देंगे आलू, और आलू को भी मसाले में अच्छी तरह से भून लेंगे। अब मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे राजमा। राजमा को मसाले में अच्छी तरह से भून लेंगे।
राजमा अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और इसके बाद जो राजमा है उसको एक या दो सीटी और लगवाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। और इसके बाद इसमें जो बॉईल किया हुआ पानी था और वो हमने इसमें डाल दिया है और इसको दो या तीन सीटियां लगवा लेंगे राजमा को, तो राजमा हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे। इसके बाद कर देते हैं करेले के मसाले की तैयारी। तो करेले के मसाले में हम जो डालते हैं मसाला, वो डालते हैं सूखा मसाला यानी कि सूखे पाउडर डालते हैं। हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दी मैंने और आमचूर और गरम मसाला। तो इसमें पानी डालकर इसको गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। तो करेले में हम मसाला फिल कर लेते हैं और ये जो धागा लिया है मैंने इसलिए लिया है, जब हम मसाला फिल कर देंगे तो करेले के ऊपर बांध देंगे जिससे कि मसाला हमारा बाहर नहीं निकलेगा तलते समय। और सारे करेलों को मैं इसी तरह से भर लूँगी और इसमें धागा भी लगा दूँगी। उसके बाद तेल हमारा गर्म हो चुका है और मैंने करेले तलने के लिए डाल दिए हैं। तो चलिए करेले भी बनकर रेडी हो चुके हैं और इसके बाद हम इसका धागा निकाल देंगे। अब बनाते हैं बूंदी रायता और बूंदी रायते के लिए हमने दही ले लिया है। इसमें डाल दिया है नमक, काली मिर्च और डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। इसमें पानी डालकर हम इसको फेंट लेंगे। उसके बाद डाल दी हमने बूंदी और बूंदी डालकर भी हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इसके बाद इसमें डाल दिया हमने हरा धनिया बारीक काटा हुआ और बूंदी रायता हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद बारी आ जाती है फुलकों की, तो फुलके भी मैं फटाफट बना लूँगी। तो चलिए, अगर आपको मेरे लंच की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।